भारतीय जनता पार्टी इतनी पारदर्शिता से, और जो आदरणीय मोदी जी ने 4.5 साल का कार्यकाल है ये कांग्रेसियों को बेचैन इसलिए कर रहा है कि जो 67 साल इन्होंने देश को बर्बाद करने में लगाए थे, तो 4.5 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने देश को शिखर पर पहुंचा दिया है विश्व में, इसलिए ये सब के सब दुखी हैं। और जहां तक बात आपने की राहुल गांधी जी की, तो मैंने बार बार कहा कि हम उनकी क्या बात करें, जो शख्स अपनी आइडेंटिटी छुपाकर देश को धोखा देता रहा, आज तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ही नहीं डिक्लेयर की है कि वो हैं क्या। मैं तो चाहता हूं कि मेरे साथ चलें इलाहाबाद में, जो आज प्रयाग हो गया है, जो अपने सही उसमें पहुंच गया, प्रयाग हमारा ज़िला है, प्रयाग आए, वहां चलें, उनके दादाजी की वहां कब्र है, मज़ार है, उस पर जाकर उन्होंने भी देश के निर्माण में काम किया था, तो उनको याद कर लिया करें। लोगों को धोखा देना बंद करें। देश की जनता कांग्रेस के छलावे में आने वाली नहीं, कांग्रेस मुक्त कर दिया है देश की जनता ने, और आज भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। अब उनके अनर्गल आरोपों से कुछ होने वाला नहीं, और उनके कोई भी आरोप को बहुत सीधा सीरियसली जनता नहीं लेती है, क्योंकि वो जो भी बात कहते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि जो मैं कह रहा हूँ इसकी सच्चाई क्या है। राम मंदिर का निर्माण कब से शुरू हो जाएगा? हम सबकी आस्था है, श्री राम हमारे आदर्श हैं, हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। चूँकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हम सब आशा करते हैं, आशावादी लोग हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक फैसला आएगा और हम लोग भव्य निर्माण करेंगे।